हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ अब से, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेस्टिवल जो कि आ रहा है कल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कल है बासेड़ा, कुछ लोग बोलते हैं उसको शीतला माता पूजा, और बहुत से लोग बासेड़ा बोलते हैं, बासोड़ा बोलते हैं, शीतला माता पूजा बोलते हैं। तो आप लोगों के यहाँ बहुत चीज़ें अलग अलग बोलते होंगे, तो हमारे यहाँ शीतला माता पूजा भी बोलते हैं और बासेड़ा भी बोलते हैं। तो कल वो है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं प्रिपरेशन करती हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं करती हूँ उस दिन, और क्या क्या तैयारियां मैं करूंगी, क्योंकि उसकी तैयारियां एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। तो आज से मैं सारे प्रिपरेशन करके मैं रख दूंगी, क्योंकि कल वो पूजा होती है। एक दिन पहले सारी प्रिपरेशन हो जाती है, नेक्स्ट डे पूजा होती है अर्ली मॉर्निंग। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सब चीजें। तो चलिए, अभी जैसे कि आज से मैं शुरू कर रही हूँ, तो आज है 24 मार्च, और कुछ लोग एक दिन पहले का भी सेलिब्रेट किया है, किसी ने ये शीतला माता का, कुछ लोग 25th का सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे मतलब मेरे इन लॉज के और मेरे पियर में सब जगह मतलब कल का सेलिब्रेट करेंगे, मतलब आज बनाएंगे कल खाएंगे वाला सीन है। तो कुछ लोगों के कल बन चुका और आज पूजा हो गई, तो दो है। अब ये चीज मुझे इतना डीपली नहीं पता है, बट हमारे यहाँ पे आज बनेगा और कल पूजा होगी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो भी मैं प्रिपरेशन करूंगी, जैसे भी मैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हूँ वो मैं दिखाऊंगी। होली के बाद आता है ये। तो अभी दिन में मैं नहा चुकी हूँ, लंच कर चुकी हूँ, ऑलमोस्ट अभी 3:30 बज रहे हैं। तो मैं कोई टाइम देख लेती हूँ। हाँ, तो अभी 3:30 बज रहे हैं, तो फटाक से मैं पहले अपने जो छोटे मोटे काम है वो निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्केट का काम निपटाऊंगी। मार्केट के बाद मैं जो भी करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये जो बेडशीट है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले जो ये बेडशीट है ना, इसको मुझे चेंज करनी है, क्योंकि बहुत दिन से ये बेडशीट बिछी हुई है। तो अभी मैं इसको चेंज करूंगी, और यहाँ पे कुछ मेरी पोशाक है, प्योर की है ये, और एक ये साटन की है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये येलो कलर की है जो कि जोड़ ओढ़ना है, और ये ब्लू कलर की है जो कि पूरी पोशाक है। इस पे इस तरीके का काम हो रहा है, ये उल्टी कटोरी का काम बोलते हैं इसको, उल्टी कटोरी का ही काम बोलते हैं। तो ये दोनों को मुझे स्टिच देने के लिए जाना है, और अभी मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं इसको स्टिचिंग पे देकर आऊंगी, तब तक इसको मैं रख देती हूँ। तो जो ब्लू वाली पोशाक है ना, उसका ये वाला ओढ़ना है, थोड़ा सा मेहरूनिश और ब्लूइश, दो तीन शेड का इसका ओढ़ना है, और उस पर ये वाला काम हो रहा है। तो ये उसका ओढ़ना है, तो अभी मैंने इसको रख दिया है, ओढ़ना पूरा कम्प्लीट है। और अभी मैं कुछ कपड़े सिलवा के रख लेती हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ती रहती है। ओके, तो मैं मार्केट जाके आ चुकी हूँ, और मेरी ड्रेस का काम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जिस टेलर की मैं सिलवाती हूँ ना वो थे ही नहीं घर पे। तो फटाफट से अब मैं घर के कामों में लगती हूँ, क्योंकि कल पूजा है, उसके लिए मेरे को बहुत सारा खाना बनाना है। और वैसे हम लोग दो लोग रहते हैं, तो बहुत कुछ तो मैं नहीं बनाती हूँ, बट सब मतलब जो पूजा में चढ़ता है, और मतलब कल का हम दोनों के अकॉर्डिंग तो खाना बनेगा ही बनेगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आलू टमाटर की वो वाली सब्जी बनाऊँ जो हलवाई बनाते हैं ना, वैसी वाली सब्जी बनाने का मैं सोच रही हूँ, वैसी वाली सब्जी बनाऊँगी। और भरवा करेले जो होते हैं वो मुझे, मेरे इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब करेले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो कैसे भी बने हो। और तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने करेले को क्या किया है। ये करेले हैं जिनको मैंने अभी इस तरीके से रखा है, इसको मैंने इसके ऊपर का जो छिलका होता है ना वो मैंने हटा दिया है, और छिलके को मैंने इसी में रख दिया है, मतलब फेंका नहीं है इसमें। और इसमें पूरे में नमक लगा दिया मैंने, तो नमक लगा के इसको मैंने अभी रेस्ट पे छोड़ दिया है, तो इसको मैं 1 घंटे के बाद देखूंगी। अच्छा, तो उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये आटे का पुआ, कुछ लोग इसको पुआ भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको गुलगुले भी बोलते हैं। तो ये आटे का होता है जो कि पूजा में चढ़ता है। तो पूजा में तो आप बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकते हो, बट मैं जो हलवा होता है, पुआ, ये जो गुलगुले होते हैं, और राब, चावल, दही, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं, तो मैं यही सी चीज़ें बनाऊंगी। वैसे तो बनाने वाले बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि पपड़ी बनाते हैं बेसन की और मैदे की, बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो आप कुछ भी बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने पुआ बनाया। ओके, तो ये जो सब्जी है ना ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसके अंदर मैंने ऑयल वगैरह सब कुछ डाल दिया है,
और बस ये टमाटर है, ये थोड़ा सा गल जाए। और यहाँ पे मैंने आलू को फ्राई करा है। जब आप तेल गरम करते हो ना तो उसी में आप पहले आलू को थोड़ा सा फ्राई करके फिर उसको निकाल लो तो अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ऑयल डाला है, सूखा मसाला डाला है, अदरक डाला है, टमाटर डाला है, मिर्ची डाली है। इन सबको अच्छे से पकने देंगे और फिर आलू डालेंगे और फिर दही, नहीं पहले दही डालेंगे फिर आलू डालेंगे। तो अब तक ये अच्छे से इसमें जो टमाटर है ये अच्छे से गल के और ग्रेवी सी बन जाए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी सब्जी है, अगर आपको बहुत जल्दी रहती है, अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो ना तो ये सब्जी आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनती है सब्जी। ये जो आलू था ये धनिया मैंने काटा हुआ है, इसको मैं डाल दूंगी इसमें। और अभी पानी, ये उसी कटोरी जिसमें कटोरी में मैंने दही लिया था ना उसी कटोरी से मैं ये पानी डाल दूंगी। अब जितनी क्वांटिटी आपको बनानी है ना उतनी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा इसमें दो कटोरी पानी और डालूंगी। तो अभी ना इसमें मैंने पानी करके इतनी क्वांटिटी मुझे चाहिए, और एक क्योंकि हम दो ही लोग हैं तो इतनी क्वांटिटी बहुत रहेगी। अब मैं यहाँ पे इसका कुकर का मैं ढक्कन लगा दूंगी। अभी है ना करेले की मैंने ये तैयार कर लिया है, प्याज वाला जो मसाला जो अंदर की फिलिंग होती है ना वो मैंने तैयार कर लिया है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें प्याज है, हरी मिर्ची है, सारा सूखा मसाला जितना भी होता है ना वो है, और हाँ गरम मसाला है इसके अंदर, सौंफ है, जीरा है। तो इन सबको बस खाली मिक्स कर लिया है। और अभी जो करेले हैं इनको मैंने अच्छे से धो लिया, क्योंकि मैंने इसमें नमक लगा के रखा था इसको 2-3 घंटे पहले, तो मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, क्योंकि नमक रहेगा तो फिर वो कड़वापन सा रहेगा थोड़ा सा। और अब मैं इसको फिल करूँगी, ये जो मसाला जो मैंने तैयार किया ना वो मैं इसके अंदर भरूँगी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बन चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ फिलहाल, और अब फाइनली मैं बनाने वाली हूँ। पूड़ियाँ बन चुकी है, सब कुछ बन चुका है, अब मैं फाइनली बनाने वाली हूँ राइस और जो कढ़ाई ठंडी करता है लास्ट में तो उसके लिए बनाऊँगी हलवा। और मैं इतना थक गई हूँ ना कि मैंने खाना बाहर से मंगवाया, मेरी हिम्मत नहीं थी कि घर का खाना मैं बनाऊँ आज का खाना। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया। ओके, तो मैं फटाक से खाना खा लेती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी तक मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई क्योंकि मुझे आज ही लगानी है, और लास्ट में कढ़ाई ठंडी करनी होती है उसके लिए बनाऊँगी हलवा, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर जब सारा खाना बन जाता है तो लास्ट में कढ़ाई ठंडी करनी पड़ती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ आटे और सूजी का। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसी सेम कढ़ाई में जिसमें पूड़ियाँ मैंने तली थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी लिया है और आटा और सूजी लिया है, उसको अच्छे से भून के और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे, चीनी और ड्राई फ्रूट्स अगर आप डालना चाहते हो तो वो डाल दो। उसके बाद बस रेडी है हलवा। तो यहाँ पर लास्ट में ये हलवा बना के और मेरा जो पूरा खाना है बांसुड़ा का वो पूरा कम्प्लीट हो जाता है। सो फाइनली सारा खाना बन चुका है। मैं खाना बनाने लगी थी 6 बजे से और आप टाइम देख सकते हो 11 बज रहा है। मैं लिटरली इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ खाना बना के। तो मैंने बताया क्या क्या बनाया है, तो मैंने बनाया है आलू की सब्जी और करेले, भरवा करेले, टमाटर और मिर्ची की सब्जी बनाई थी मैंने, और हलवा बनाया था, राइस बनाए थे, और जो राब होती है क्योंकि राब भी बनाते हैं क्योंकि शीतला माता को ना राब भी चढ़ती है, राबड़ी भी बोलते हैं, राब भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो वो भी मैंने बनाया। लास्ट काम और है जो मुझे करना है वो है ये मेहंदी लगाने का। लिटरली मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं मेहंदी लगाऊं, पर लगानी पड़ेगी, मतलब 5 उंगली तो बहुत ज़रूरी है लगाना। तो फटाक से मैं लगा के और मैं लगा के सो जाऊँगी बस मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हाँ, तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग पूजा करने जाएंगे हम लोग, तो मेरे जो बगल वाले ब्लॉक में भाभी हैं उनके साथ मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो इसकी जो पूजा होती है वो मतलब रोशनी नहीं होनी चाहिए, अंधेरे में इसकी पूजा होती है शीतला माता की। तो हम लोग 5 बजे निकल जाएंगे यहाँ से पूजा करने के लिए, क्योंकि मंदिर थोड़ा सा दूर है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल मॉर्निंग में, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से पूजा होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ इसकी कैसी कहानी होती है, कैसे पूजा होती है, तो वो सब चीज़ें बात। तो मैं मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। ओके, सो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ नहाकर, और मैंने आज हेयर वॉश किया था, तो
फटाफट से मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। 5 बज चुके हैं अभी, और अब मैं फटाफट से जो पूजा की थाली होती है वो मैं लगा देती हूँ, और फिर निकलते हैं मंदिर के लिए, क्योंकि मेरे पास में जो एक भाभी रहती है वो भी हमारे साथ ही जाएंगी। से थाली लगा लेती हूँ, और मैंने पहनी हुई है ये येलो और रेड कॉटन की ड्रेस पहनी हुई है मैंने, क्योंकि प्योर की ड्रेस मेरे को जो पहननी थी वो स्टिच होकर आई नहीं थी, और अकॉर्डिंगली ठीक है, और इसमें थोड़ा सा इस तरीके की बूटियों का रोक हो रहा है, इस तरीके की बूटियाँ बनी हुई है। और तो पूजा में ना इसी तरीके की ड्रेस अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि मैं यही पहन लेती हूँ कॉटन की, इसमें छोटी सी बूटियाँ हो रही है, हल्का फुल्का काम हो रहा है। तो अब मैं फटाक से थाली लगा लेती हूँ पूजा की, फिर मैं आपको मिलती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मंदिर के मतलब साइड में जो गार्डन एरिया होता है वहाँ पे हम लोगों ने 5 पत्थर लिया है, उनको शीतला माँ मानकर उनको जल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, रोली मुली का टीका लगाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये मैंने उदयपुर में फ़र्स्ट टाइम देखी थी एक्चुअली, ये मैंने मेरे पीहर में नहीं देखी है, वहाँ पर जहाँ पर पूजते हैं वहीं पे कहानी सुन लेते हैं, बट ये चीज़ उदयपुर में थी तो मैं भी उस चीज़ को फॉलो कर रही थी, तो मेरे साथ जो भाभी साहब हैं वो भी इसी चीज़ को कर रहे थे, तो मैंने भी वहाँ पर करा। तो इसी तरीके से वहाँ पर जहाँ पर ये भोग लगाते हैं जिनको ये शीतला माँ मानते हैं, तो वहीं पर हम लोग कहानी सुनेंगे। ओके, तो हम लोग पूजा करके आ चुके हैं, और पूजा करने गए ना तो एक चीज़ भूल गई, ये मेरे साथ हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है, मैंने इतना सब कुछ बनाया उसमें से जो राब होती है वो जो चढ़ती है, और वो मैं घर पे भूल गई, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने बनाई थी क्योंकि ये पूजा में चढ़ती है और मैं भूल गई इसको ले जाना। ये ऐसे कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए तो नॉर्मल हो चुका है ये, तो मैं वहाँ जाके, हाँ तो मुझे कब याद आया कि मैं राब ले जाना भूल गई, शीतला माता की जो कहानी सुनते हैं ना, तो कहानी के अंदर ऐसा आता है कि जो शीतला माता होती है ना वो कुम्हारी के घर पे जाती है, और वहाँ पे मतलब उनके पास खिलाने के लिए कुछ होता नहीं है, तो वो ना उनको जो ठंडी राब होती है ना वो खिलाती है उनको, क्योंकि उनके घर पे कुछ होता नहीं है, तो ऐसे कुछ कहानी में था। तो उस टाइम पर मुझे याद आया, शिट मैं तो राब ले जाना ही भूल गई हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, और फिर एक होता है ना कि अपन जब पूजा के लिए कोई चीज़ बनाते हैं और भूल जाते हैं तो फिर लगता है मन में थोड़ा सा ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो मेरी सोसाइटी में एक मंदिर है वहाँ पे भी शायद शीतला माता का है, तो मैं वहाँ पे चढ़ा के आ जाऊँगी, जिससे कि मुझे थोड़ा सा अंदर से लगेगा कि हाँ भाई मैं चढ़ा कर आई हूँ। अभी 6:30 बज रहे हैं और मैं आ गई थी, अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है वापस से, अब मैं सो जाऊँगी क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, ना ही कुछ खाना बनाना है, ना ही कुछ और करना है, तो अब मैं वापस हो जाऊँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, उठ चुकी हूँ, देख सकते हैं मेरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं सो के उठी, और अभी भी मुझे पता नहीं क्यों नींद ही नींद आ रही है।
करेंगे ना। एक तो पता है क्या हुआ था, कल मैं थक गई थी खड़े खड़े काम करते हुए, उसके बाद हाँ उसके बाद मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो फिर मैंने मेहंदी लगाई रात को, और मेहंदी लगाने के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो बार बार मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि मेहंदी सूख जाए, मैं हटा दूँ। तो इस चक्कर में मुझे 1:15 बज गए, मेरे को नींद ही नहीं आई, लगा के सो गई। अगर मैं दोनों हाथों में मेहंदी लगा लेती ना, फिर तो मतलब मेरा अजीब और गरीब सीन हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे खुजली मचती है, तो कभी मुझे कुछ होता है, मुझे कभी ईचिंग सी हो जाएगी पूरी बॉडी में, मतलब मुझे अजीब अजीब सा होता रहता है, फिर बस मेरे को दोनों हाथों में मेरे पैक हो जाते हैं, खुजली मचती रहती है हर जगह हर तरीके की, है ना। तो इस चक्कर में ना फिर मैं दोनों हाथों में कभी नहीं लगाती हूँ एक साथ, तो ऐसा लगता है ना कि ये एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो सारी लेडीजों को ना एक दिन की वो छुट्टी मिल जाती है किचन से, मतलब ना उसमें कोई काम नहीं करना होता, किचन विचन का ऊपर ही काम होता है, बट एक किचन का काम भी तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो एक दिन का तो एक रेस्ट मिल जाता है। तो आज सुबह से शाम तक नो कुकिंग, तो आज मज़ा आने वाला है। और हाँ, आज जब मैं सुबह रेडी हो रही थी ना, तो ये जो मेरे को बैंगल पहने थे, मैं सोच रही थी पहले कि मेरा जो बूर का चूड़ा है मैं वो पहनूँ, फिर मुझे मेरे बूर के चूड़े के आगे के जोड़ नहीं मिल रहे थे, तो मतलब सुबह सुबह एक तो अगर एक दिन पहले अगर मैं कुछ भी अरेंज करके नहीं सोऊँ ना, तो मेरा नेक्स्ट डे तो इतना टाइम वेस्ट हो जाता है हर चीज़ ढूंढने में, क्योंकि मेरे साथ ये होता ही है, मैं बहुत कन्फ्यूज रहती हूँ। मैं सुबह जो लाख के जो चूड़े थे, तो मैंने सोचा मैं फटाक से पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे लाख का जो चूड़ा है ना वो मेरे ड्रेसिंग में रहता है, तो वो ओपन ही बाहर ही रहता है वो बॉक्सेस में, तो फिर मैंने ना सारे निकाले, मैं भी आपको दिखाती हूँ, पूरे बेड पे तो मैंने पहले चूड़े फैलाए, फिर उसमें से मैंने सोचा कि ये वाला पहन लेती हूँ, ये पिंक से कलर का है, लहरिए टाइप का है। अब तो अभी मैं दिखाती हूँ मेरे बेड का क्या हाल हो रहा है, सब जगह चूड़े चूड़े फैले हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को मेरे लाख के चूड़े का कलेक्शन भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये देख सकते हैं, ये सुबह सुबह का फलावड़ा है, ये मैंने सारे डिब्बे इसको बाहर निकाले, फिर मैंने देखा कौन सा, और ये जो है ये भी मेरी ड्रेस से मैच कर रहा था, तो मैंने सोचा ये पहनूँ, कौन सा पहनूँ, तो मैं भी आप लोगों को दिखा। तो सबसे पहले तो देखो ये वाला जो चूड़ा था ना, ये मैंने निकाला था, मेरी ड्रेस से मैच कर रहा था कहीं ना कहीं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें दो शेड है, तो ये मैच करता, बट ये दो दो ही है, तो फिर मैंने सोचा कि ये वाले वेयर करूँ या कौन से वेयर करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और है ना इसमें थोड़ा सा ना ये यहाँ से वैसा हो गया है, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ना यहाँ से लाख का, ये लाख के ना बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इनको बहुत केयर से रखना पड़ता है, तो मैं ना इस तरीके के बॉक्सेस में रखती हूँ, और कॉटन वॉटन के साथ रखती हूँ, जैसे कि कुछ ज़्यादा स्टोन वैसे वाइट स्टोन में ऐसे होता ना, तो उनको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, तो ये ऐसे हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि इसको उठाने देती हूँ, फिर मैंने ये वाला नहीं पहना। फिर उसके बाद मैंने ये वाला निकाला जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये वाला चूड़ा, ये शायद मैंने आपको पहले भी मैंने किसी वीडियो में दिखाया होगा, मेरे लाख के चूड़े का जो दिखाया होगा कलेक्शन है मैंने उसमें दिखाया होगा, ये वाला, ये ढाल में है और ये बहुत सुंदर लगता है मुझे चूड़ा, मतलब आपने कोई सी भी ड्रेस पहन रखी हो ना आप उसके साथ पहन सकते हो, बट मैं हर बार इसी चूड़े को पहनती हूँ, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता ना तो मैं ये पहनती हूँ। जब भी मैं ससुराल गई थी रुकने के लिए तब भी मैंने यही पहन रखा था इतने दिन तक, तो फिर मैंने ये वाला फिर मैंने नहीं पहना। और ये ढाल में ही देख सकते हो, ये आगे की छोटी है, ये पीछे की बड़ी है, तो लाख में भी है ना आप ढाल के चूड़े बनवा सकते हो, अगर जिन लोगों को नहीं पता है ना मैं उन लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि जो लाख होता है ना आप उसमें भी ढाल बनवा सकते हो, जो ये लाख के चूड़े बनाते हैं ना उनको अगर आप बोलोगे ना, तो जैसे आपके शीप के ढाल वाले होते हैं तो वो वैसे ही बना देते हैं। नेक्स्ट है ना वो है ये वाला चूड़ा, इसकी आप शाइन देखो कितनी सुंदर है, ये भी ढाल में है बट ये बहुत हल्के ढाल के अंदर बना हुआ है, मतलब ये बड़ा है फिर से छोटा है, जैसे ये वाला छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है इसका, तो ये भी ढाल में है बट ये बहुत हल्के वाले ढाल में है, मतलब बहुत ज़्यादा ढाल नहीं है, तो अभी देख सकते हैं इससे पता चलेगा आपको, जब ये ऐसे अपन जोड़ते हैं ना तो ये ऊपर नीचे हो रहा होगा, है ना, बट ये इतने सुंदर लगते हैं ना ये चूड़े, इनके मेरे इतने चूड़ों की नज़र लगती है ना, ये भी मैं ना मिक्स मैच करके पहनती हूँ, बट आज सुबह है ना मेरे से ये मैच ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ये नहीं पहना। देखो कितनी सुंदर है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले चूड़े, जब ये पहनती हूँ ना तो बहुत लोग मुझे टोकते हैं कि ये कहाँ से लिया। तो ये हाँ, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिलाए थे ये वाले चूड़े, अभी जब मैं गई थी, इससे पहले जब मैं गई थी तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये गिफ्ट किया था, तो ये बहुत सुंदर है, उस लगते हैं ये भी लाख में है कड़े, और ये भी बहुत सुंदर है, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब अगर आपको सिंगल सिंगल कड़े पहन लो ना, तो जैसे कई बार मैं कुर्ती वुर्ती पहनती हूँ, या फिर अगर कॉटन के जैसे घर के अंदर अपन जैसे इस तरीके की ड्रेस पहनते हैं ना, तो उस पर भी बहुत अच्छे से जाता है, तो ये वाले हैं, और इसी तरीके से एक ये वाले भी हैं, ये पेयर था, मतलब दो दो के पेयर थे, बट
का, तो ये मैं सिंगल सिंगल ही पहन लेती हूँ। ये भी बहुत सुंदर लगता है, पिंक से कलर में है और गोल्डन और व्हाइट स्टोन, गोल्डन पिंक एंड व्हाइट स्टोन है इसके अंदर, तीन स्टोन है, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट है वो है ये गोल्डन कलर में, तो गोल्डन कलर की चूड़ियाँ मेरे पास बहुत सारी है, मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये देखो मेरे पास गोल्डन कलर मिलने दिए अभी, बट इस तरीके की देखो, ये थोड़ी सी पतली है, ये थोड़ी सी मोटी में है और ये थोड़ी सी पतली है, तो गोल्डन कलर की चूड़ियाँ ना होनी चाहिए लाख में। ये भी सब मैं जितना भी दिखा रही हूँ सब लाख में ही है, तो ये भी होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा चूड़ों के बीच में अगर थोड़ा सा कुछ लगाना हो, मिक्स मैच करना हो, या चूड़े को थोड़ा सा बड़ा करना हो, मतलब वैसे बढ़ाना हो साइज में, तो आप वैसे भी इसको मतलब बीच बीच में लगा सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगता है। और एक और चूड़ा है वो भी मुझे बहुत पसंद है, वो है ये वाला, ये बिल्कुल जो रेड टमाटर रेड कलर होता है ना, देखो चूड़े ना कई जो लाख के चूड़े होते हैं ये इस तरीके चिपक जाते हैं गर्मियों में, देख रहे हो ये इस तरीके चिपक जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत ही हल्के हाथों से इसको बीच में नेल को फंसा के, इसको नेल को फंसा के ऐसे अलग करोगे ना तो ये अलग हो जाएगा, तो इस तरीके से। और इसको ना मतलब हमें इसको ना कभी भी लाख के चूड़ों को ना ऐसे लटका के नहीं रखना चाहिए, जैसे जो आते हैं ना ड्रेसिंग टेबल में जो ऐसे रॉड आती है लटकाने वाली, तो कभी भी लाख के चूड़ों को ऐसे लटका के नहीं रखते हैं। ये वाला जो चूड़ा मैंने वेयर कर रखा है ना, इसके जैसे मतलब मिलते जुलते मेरे पास तीन मतलब दो और हैं इस तरीके, इनको लहरिया के चूड़े बोलते हैं, लहरिया जब सावन में जो पहनते हैं ना वैसे, तो ये बहुत सुंदर लगता है। इसके अंदर ना ये लहरिया जैसा ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे ना, ये जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, इसमें बारीक लहरिया बना हुआ है इस तरीके से, और इसके अंदर थोड़े से बड़े वाले लहरिया हैं, और इसी में एक मेरे पास ये है, ये जो चूड़ा बहुत प्यारे लगते हैं, इसको भी मैं पहनती हूँ। ये भी बहुत सारी ड्रेसेस के साथ, जैसे कॉटन के सूट्स होते हैं ना उनके साथ बहुत अच्छे से जाता है ये वाला, ये ब्लू कलर का। तो ये मेरी ज़्यादातर जो पोशाकें होती है ना, मैं कई बार इसको आगे जैसे दो तीन चूड़ियाँ लगा के भी वेयर कर लेती हूँ। तो ये है, इसके ऊपर ब्लू और गोल्डन कलर से है ये चूड़ा। ठीक है, मेरे पास और भी बहुत सारे चूड़े हैं, पर मैं अभी ये अभी जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ, तो अभी और भी बहुत सारे चूड़े हैं, बट मैं वो कभी आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा बूट शीप के चूड़ों का कलेक्शन देखना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको मेरा बैंगल का पूरा कलेक्शन दिखाऊंगी। हालांकि मैं पहनती बहुत कम हूँ उदयपुर में, बट मेरे पास कलेक्शन बहुत सारा है बैंगल्स में, तो अगर आप लोगों को देखना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना और बहुत सारा प्यार देना, तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में अपने बैंगल्स में बनाऊँ। और हाँ, जो मैं बैंगल आप लोगों को दिखाऊंगी ना, मैं वो भी बताऊंगी कि आप उन सेम बैंगल्स को कहाँ से परचेज कर सकते हो। लाख वाले जो चूड़े होते हैं उनका नहीं बता सकती, क्योंकि ये हर एक चूड़ा अलग अलग जगह, अलग अलग शॉप, अलग अलग सिटी से है, बट जो शीप और बूर के चूड़े हैं ना, अगर आप लोगों को परचेज करना है ना, तो वो भी मैं आप लोगों को डिटेल्स दूंगी कि कहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और मैं जितना भी मेरा चूड़े का कलेक्शन है वो मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला कलेक्शन कैसा लगा मुझे इसका भी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। लाख का और भी है मेरे पास चूड़े, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, या फिर कभी मैं आप लोगों को बताऊंगी जब भी मैं अपने ऑर्गेनाइज करूंगी ड्रेसिंग, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बस यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। खामा गनीसा।